नमस्कार, सागर टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेने के बाद मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जिले में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा है। अब बीपीएल राशन कार्ड धारियों के साथ ही मध्यम वर्ग जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि चावल भी अन्य जिले से पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए हम सभी प्रशासन का सहयोग करें, सिर्फ आवश्यक चीज़ों की दुकानें खोलने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सागर के नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने बीड़ी श्रमिकों के लिए कारखाने खोलने पर सहमति बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक छोटे किसानों को SMS आ रहे थे और बड़े किसान बार बार आपत्ति जता रहे थे, जिसके बाद अब 75% SMS छोटे किसानों को आएंगे और 25% SMS बड़े किसानों को आएंगे, जिससे किसानों की लगातार तुलाई होती रहे। इसके अलावा बाहर राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी लगातार बुलाया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश से भेजी जा रही बसें लगातार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस ला रही हैं। आइए सुनते हैं गोविंद सिंह राजपूत की भाषा में उन्होंने क्या कहा। क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको स्टेट सरकार और जिलों में कैसे फॉलो होना चाहिए, ये और दूसरा इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से खाद्यान्न वितरण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं, और तीसरा गेहूं उपार्जन, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं का खरीद चल रही है। तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि अभी महामारी और कोरोना, ये अपने हमारे कोरोना की बीमारी जो है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, हम भी इसमें बढ़ाने में सहयोग करें, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे किसानों के सामान हो, चाहे प्लम्बर के सामान हो, चाहे छोटी छोटी बातें हो, नगर विधायक शैलेंद्र जैन जी ने उठाया कि बीड़ी श्रमिक हमारे यहाँ बहुत है, तो बीड़ी श्रमिकों के लिए भी हमने कहा कि भाई उनके लिए बीड़ी कारखाने खुले सट्टेदारों के, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना काम शुरू करें। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बीपीएल कार्डधारियों को भी मिलेगा, वो बीपीएल में नहीं है उनको भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। चावल भी आ रहा है, चावल चूंकि बालाघाट और जबलपुर अन्य जिलों से आता है, चावल की पर्याप्त मात्रा आ चुकी है। जो नहीं आया तो हम और चावल का ऑर्डर दे रहे हैं, और गेहूं के उपार्जन जो हो रहा है उसमें कोशिश हो रही है कि अभी शिकायत आ रही थी कि SMS छोटे किसानों को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया था भोपाल में बैठकर कि पहले छोटे किसान, बाद में मध्यम किसान, इसके बड़े किसानों को, लेकिन अब आज तय किया है कि 75% ऐसे